लखीमपुर खीरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां पढ़ाई कर रहे छात्र अब सहमे हुए हैं। वहीं छात्रों के परिवार भी घबराए हुए हैं। देश के कई राज्यों के साथ यूपी के लखीमपुर खीरी के दो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मौजूदा हालातों को लेकर सभी तरह दहशत है और परिजन चिंतित में हैं। छात्रों के परिजनों ने जिला प्रशासन से अपने बच्चों के सकुशल घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। मेरा नाम आसिया है, मैं लखीमपुर खीरी से बेसिकली खीरी टाउन से हूँ और मेरी बहन उम्मी खातून जो सन 2019 में यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी, आज वो चौथे साल की स्टूडेंट है, फोर्थ ईयर की। अचानक रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया है, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है और हम लोग काफ़ी परेशान हैं और अचानक ऐसे गंभीर प्रॉब्लम हो गई है। इस बीच हमारी बहन वहाँ पर काफ़ी परेशान है, वो आना चाहती है और हम लोग भी उसे बुलाना चाहते हैं। जो भी कांटेक्ट हैं वो सारे टूट गए हैं, जैसे कि नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है और भी जो कांटेक्ट अदरवाइज थे वो भी टूट गए हैं। हमें लास्ट टाइम पर अभी 8-9 घंटे पहले बात हुई थी कि काफ़ी वहाँ पर वो परेशान हैं, उससे ज़्यादा हम लोग भी परेशान हैं। वहाँ का क्या मतलब है, क्योंकि वार काफ़ी बढ़ गया है, उसी के एरिया में जो कि पोल्टावा सिटी है वहीं पर उसकी यूनिवर्सिटी है, वहीं पर उसका हॉस्टल है। अब प्रेजेंट टाइम में वहीं पर उसके ब्लास्ट हो रहे हैं रात से, और रात दिन ब्लास्ट हो रहे हैं और नेट प्रॉब्लम भी हो गई है अब तो। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो हमारी मदद करे और मेरी बहन को, मेरे और भी जो भी बच्चे हैं वहाँ पर, जो भी मेरे भाई बहन हैं, सबको यहाँ पर सब कुशल इंडिया में हमारे बीच, हमारे परिवार के बीच लाने में हमारी मदद करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है और दिल से दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है आप, मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ इतना करे और हम लोगों के साथ जितने भी पेरेंट्स परेशान हैं, मैं अपनी भारत सरकार से यही गुहार लगाती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वो कामयाब हो जाए और हमारी बहन हमारे बीच आ